जहरा के मसाइब को छुपाने में लगे हैं। जहरा के मसाइब को छुपाने में लगे हैं, कुछ लोग यहां माल कमाने में लगे हैं। जहरा के मसाइब को छुपाने में लगे हैं, कुछ लोग यहां माल कमाने में लगे हैं, और उनको भी करो दीन के गद्दारों में शामिल जो कातिले मोहसिन को बचाने में लगे हैं। उनको भी करो, उनको भी करो दीन के गद्दारों में शामिल, उनको भी करो दीन के गद्दारों में शामिल जो कातिले मोहसिन को बचाने में लगे हैं। और जनाबे मोहसिन को किसने मारा जो ये बताने का दम नहीं है? जनाबे मोहसिन को किसने मारा जो ये बताने का दम नहीं है? तो चाहे जितनी उम्र हो उसकी, वो मौलवी मोहतरम नहीं है। जनाबे मोहसिन को किसने मारा जो ये बताने का दम नहीं है? तो चाहे जितनी उम्र हो उसकी, वो मौलवी मोहतरम नहीं है। और मैं कह रहा हूं थे चोर डाकू, वो कह रहे हैं गनी थे खालू। मैं कह रहा हूं थे चोर डाकू, वो कह रहे हैं गनी थे खालू, मगा दो एक डिब्बा हाज मौला, ये बात मुझको हजम नहीं है। अब ये चार मिसरे और हाजिर कर रहा हूं कि बाजुओं में उल्फते हैदर का पावर चाहिए, बाजुओं में उल्फते हैदर का पावर चाहिए, जालिमों को जेर कर देने का नेचर चाहिए, जालिमों को जेर कर देने का नेचर चाहिए। और जीरो पर आउट अगर करना है उनकी टीम को, फिर अबू लूलू के जैसा फास्ट बॉलर चाहिए। जीरो पर आउट अगर करना है उनकी टीम को, फिर अबू लूलू के जैसा फास्ट बॉलर चाहिए। और इस सिलसिले का आखिरी कता हाजिर कर रहा हूं। हमारे बच्चे जानते हैं कि फिज़ा का मतलब चांदी होता है, मैंने बुजुर्गों के लिए बता दिया। अरे क्या अच्छी बात है, वाह 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 वाह। चांदी को अहले बैत ने सोना बना दिया, चांदी को अहले बैत ने सोना बना दिया, ऐसी कनीज रूए जमी पर नहीं मिली। चांदी को अहले बैत ने सोना बना दिया, ऐसी कनीज रूए जमी पर नहीं मिली। और हैदर से लड़ने आई थी जो, उसकी हैसियत फिज़ा की जूतियों के बराबर नहीं मिली। हैदर से लड़ने आई थी जो, उसकी हैसियत हैदर से लड़ने आई थी जो, उसकी हैसियत फिज़ा की जूतियों के बराबर नहीं मिली। हैदर से लड़ने आई थी जो, उसकी हैसियत फिज़ा की जूतियों के बराबर नहीं मिली। और हमारे एजाज भाई यहां ऐसा मिसरा देते हैं, मेरी पोल खोलने के लिए मिसरा देते हैं ताकि लोगों को पता चल जाए कि ये शायर कितना मजबूत है, कितना कमजोर है। पोल खोल रहे हैं हमारी, जबरदस्ती ऐसा मिसरा दिया कि संजीदा शेर कहना पड़ा। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि शुरू से आखिर तक मैंने सभी शोरा के शेर सुने, लोगों ने मेहनत नहीं की। मैं हाजिर कर रहा हूं इन शेरों में, कुछ शेर आप ऐसे सुनेंगे कि यकीन आ जाएगा आपको कि यकीनन मेहनत नहीं हुई है। मैं हाजिर कर रहा हूं मतला।
زینب کا نہج نہج بلاغت سے کم نہیں. اگر محنت کی ہوگی تو داد دیجئے گا. میں سال دو سال میں سنجیدہ شعر کہتا ہوں ورنہ کبھی اپنے معیار سے گرتا نہیں. سماعت فرمائے مطلب. جواد بھائی دیکھیے گا قبلہ جواد صاحب, زینب کا نہج نہج بلاغت سے کم نہیں, ایک لفظ بھی علی کی خطابت سے کم نہیں. زینب کا نہج نہج بلاغت سے کم نہیں, ایک لفظ بھی علی کی خطابت سے کم نہیں. یہ قافیہ کئی لوگوں نے نظم کیا, آدھے سے زیادہ لوگوں نے نظم کیا جتنے لوگوں نے پڑھا ہے, لیکن دیکھیے اس طرح سے نظم ہوا یہ قافیہ. دربار میں حسین کی جانب سے بولنا, دربار میں حسین کی جانب سے بولنا, دربار میں حسین کی جانب سے بولنا عباس باوفا کی شجاعت سے کم نہیں. دربار میں حسین کی جانب سے بولنا. حسین کی جانب سے بولنا عباس باوفا کی شجاعت سے کم نہیں. دربار میں حسین کی جانب سے بولنا عباس باوفا کی شجاعت سے کم نہیں. اور یہ چاہیں تو الٹ دیں نظام ملوکیت, یہ چاہیں تو الٹ دیں نظام ملوکیت, غیظ ان کا مرتضیٰ کی جلالت سے کم نہیں. یہ چاہے تو الٹ دیں نظام ملوکیت, یہ چاہے تو الٹ دیں نظام ملوکیت, یہ چاہے تو الٹ دیں نظام ملوکیت, غیظ ان کا مرتضیٰ کی جلالت سے کم نہیں. غیظ ان کا مرتضیٰ کی جلالت سے کم نہیں. اب فتوے جو دے رہے ہیں خلاف غم حسین, فتوے جو دے رہے ہیں خلاف غم حسین. کسی نے مولانا مودودی سے پوچھا تھا کہ جب اتنے سارے صحابہ نے یزید کی بیعت کر لی تو امام حسین نے کیوں نہیں کر لی, تو کیا کہا تھا کہ امام حسین وارث رسول تھے. جب امام حسین نے بیعت نہیں کی تو کسی صحابی کو بیعت نہیں کرنی چاہیے تھی. اب ان کی بیعت کرنے والے صحابیوں کی اولادیں ابھی تک باقی ہیں. فتوے جو دے رہے ہیں خلاف غم حسین ان کا عمل یزید کی بیعت سے کم نہیں. حسین ان کا عمل یزید کی بیعت سے کم نہیں, ان کا عمل یزید کی بیعت سے کم نہیں. اور دیکھیے یہ قافیہ بھی استعمال ہوا ہے, لیکن دیکھیے اسی طرح استعمال ہوا جیسے میں نے کیا ہے, لبیک یا حسین کا نعرہ لگائیے, لبیک یا حسین کا نعرہ لگائیے, اس کا ثواب اذان و اقامت سے کم نہیں. لبیک یا حسین کا نعرہ لگائیے, اس کا ثواب اذان و اقامت سے کم نہیں. لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا نعرہ, لبیک یا حسین.
इसका सवाब अज़ान और इकामत से कम नहीं, इसका सवाब अज़ान और इकामत से कम नहीं। और तज़मीन देखिए, सबने अलग अलग तरह से, लेकिन जो लोग तिलावत करते हैं वो इस बात को जानते हैं और यकीनन दाद देंगे, ये गोशा बचा हुआ था। ज़ैनब की मदह करना तिलावत से कम नहीं, लेकिन हर कोई तिलावत नहीं करता, कुछ लोग और भी होते हैं। समाअत फरमाए, सुनना भी है सवाब, सुनाना भी है सवाब। सुनना भी है सवाब, सुनाना भी है सवाब। ज़ैनब की मदह करना तिलावत से कम नहीं। सुनना भी है सवाब, सुनाना भी है सवाब। ज़ैनब की मदह करना तिलावत से कम नहीं। और ये शेर देखिए, शायद काफिया भी अभी नहीं आया है, समाअत फरमाए, देखिए किस तरह मेहनत की है। कि जिस सफ में एक साथ नजर आए मातमी, इंशाल्लाह याद रखेंगे, जिस सफ में एक साथ नजर आए मातमी, वो सफ किसी नमाज जमात से कम नहीं। जिस सफ में एक साथ नजर आए मातमी, वो सफ किसी नमाज जमात से कम नहीं। अब फर्शे अजापा आती हो जिस घर में सैयदा, ऐसा मकान खित्ते जन्नत से कम नहीं, ऐसा मकान खित्ते जन्नत से कम नहीं। अब वो जिसके दिल में उल्फते आले रसूल है, उस आदमी का मरना शहादत से कम नहीं। जिस दिल में, वो जिसके दिल में उल्फते आले रसूल है, उस आदमी का मरना शहादत से कम नहीं। और मक्ता खास तौर से समाअत फरमाए कि बज़्मे सुखन शनास में बेताब के लिए, बज़्मे सुखन शनास में बेताब के लिए संजीदा शेर पढ़ना कयामत से कम नहीं।